Hello students, welcome to Shweta Yadav tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन ये चैप्टर हम ऑलरेडी डिटेलिंग कर चुके हैं अब ये जो सेशन है इस सेशन में हम एनसीआर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कौन सा लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू एन सो हियर एनिमल एक्मलेट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड

अब ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड कैसे हैं एक ऑर्गेनिज्म खाना खाता है उस खाने को डाइजेस्ट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें मदद करता है और उसमें उस फूड का एब्जॉर्बशन भी होता है क्योंकि वो फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है जब फूड कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कैसे करती है ब्लड की सहायता से यानी कि स्मॉल में जो प्रेजेंट होती हैं वो फूड का सेब्जॉर्ब कर लेती हैं ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैट सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं एब्जॉर्ब फूड ब्लड की सहायता से पूरी बॉडी में सर्क्यूलेट होता है और सर्क्यूलेशन यहाँ पे हेल्प करता है यानी कि यहाँ पे मदद ली जाती है हार्ट की अब सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से जो सारी चीज़ें हैं वो पूरे बॉडी सेल्स को सर्कुलेट की जाती हैं हर सेल को फूड सप्लाई किया जाता है हर सेल को ग्लूकोज माइनो एसिड फैटी एसिड दिया जाता है आयन्स, से जो भी उस सेल की नीड का सामान है सब सेल को प्रोवाइड किया जाता है सेल उस फूड का ब्रेक डाउन करती है यानी कि फूड का ब्रेकडाउन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है मेटाबॉलिज्म होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं जब फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है कंप्लीट या पार्शल बेसिकली हम ब्रेक ब्रेकडाउन की ही बात करें तो डाउन के बाद में जो फूड है उससे बनता है वेस्ट यानी कि पूरा का पूरा फूड जो है वो यूटिलाइज हो गया है एनर्जी भी बन गई बट साथ साथ में वेस्ट भी जनरेट हुआ है और ये जो जनरेटेड वेस्ट है ये कहां पे प्रेजेंट है सेल में प्रेजेंट है जो भी जनरेटेड वेस्ट है वो कहां पे प्रेजेंट है सेल में प्रेजेंट है अब जो सेल है उसको अपने पास नहीं रखती है सेल उस जनरेटेड वेस्ट को ब्लड को दे देती है ब्लड जो है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हुए और अल्टीमेटली किडनी तक पहुंचा देता है और किडनी के पास ये वेस्ट आ जाता है और किडनी इसको एलिमिनेट कर देती है तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं एक्यूमलेट कर सकते हैं अमोनिया को यूरिया को यूरिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर को कुछ आयन जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फेट एंड सल्फेट इधर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाई अदर मीन्स लाइक इंजेक्शन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जनरेट होते हैं या फिर एक्सेसिव इंजेक्शन से जो जरूरत से ज़्यादा जा, खाया गया है यानी कि कोई एनिमल है उसने जरूरत से ज़्यादा फूड कंज्यूम किया है तो सारी चीज़ें बॉडी में उसके जरूरत से ज़्यादा बनेंगी देंसेज हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली ऐसे सब्सटैसेज का रिमूवल जरूरी है टोटल एंड पार्शियल एंड दिस रिमूवल इज नोन एज एक्सक्रीशन सो वॉट इज एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज और द सबस्टेंसेज विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस और द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस So, बेहतर जो लाइन है जो एक्सक्रीशन को रिप्रेजेंट करती है वो है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है एक्सक्रीशन है जनरेट so, किए गए हैं और उनका अलिमिनेशन ही एक्सक्रीशन कहलाता है These have to be removed partially or totally. In this chapter, यू विल लर्न द मैकानिजम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दी सब्सटैंसेज विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे एम्फोसिस किया जाएगा ध्यान दिया जाएगा कि कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है कि जो सब्सटेंसिस हमारी बॉडी में ज्यादा हैं या सेल जनरेटेड वेस्ट है उसको बॉडी से निकालना अब सेल जनरेटेड वेस्ट क्या हो सकते हैं इट मे भी अमोनिया urea and uric acid so we can say that ammonia urea, urea and uric acid are the forms of nitrogenous waste they are the major forms a question hai. they are the major forms of nitrogenous waste excreted by animals here we are talking about animals because this, this is the chapter which is related to the human physiology तो यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात करेंगे एनिमल्स की बात करेंगे अब यहां से इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है डिफरेंट टाइप्स इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन सबसे पहले यह बात जानना जरूरी है कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं दर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया आर नोन एज एमेनोटेलिक यानी कि अमेनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म दूसरी इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा टॉक्सिक तीन मेजर हैं यूरिया यूरिक एसिड एंड अमोनिया इन तीनों में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया तो इसीलिए जब बॉडी इसको एलिमिनेट करेगी बाहर निकालेगी तो बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी और पैरल जो अमोनिया है वो वाटर सोलेबल है अपने आप में क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है जो वाटर है और जिसके एलिमिनेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को या सेल को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है दैट इज अमोनिया सो हियर मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन वेर एज यूरिक एसिड आर बींग लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड जो है वो कम टॉक्सिक कैन बी रिमूव मिनिमम लॉस ऑफ वाटर अब यहां अगर टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया देन यूरिया एंड देन यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है और इसके एलिमिनेशन में भी सबसे कम पानी लगता है तो वाटर अगर हम देखें तो अमोनिया को सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है उससे कम यूरिया को है और सबसे कम यूरिक एसिड को है यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें बन गई दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए, गए हैं एक तो बन चुका है टॉक्सिसिटी पे और दूसरा बन चुका है वाटर रिक्वायरमेंट पे कि किसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है किसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है किसको वाटर की रिक्वायरमेंट मॉडरेट है तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं एमोनोटैलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियो टैलिक और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको बोला जाता है यूरिको टैलिक तो यहाँ पे तीन कैटेगरी है तो सबसे पहले हमने बात कर ली है एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज एमिनोटेलिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एमिनोटेलिज्म इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं तो यहां पे एक चीज एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा पानी चाहिए अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे वो कैसे होंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सो हियर द एग्जाम्पल इज बोनी फिशेज एक्वेटिक एम्फीबियंस एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर एमिनोटेलिक इसके साथ टॉस्टपोल दे ऑल्सो एक्सक्रीट अमोनिया अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो फिशेज हैं, बेसिकली कौन से फिशेज जो जो अपने गिल सरफेस से अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं और किस फॉर्म में करती हैं ये क्वेश्चन आ जाता है तो नेक्स्ट लाइन यही बोल रही है अमोनिया इज अ रेडिली सॉलेबल अभी बताया था कि यह सोलेबल है जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन बॉडी ये बॉडी से डिफ्यूज हो जाता है एक्सक्रीट हो जाता है और थ्रू गिल इन ये इंपॉर्टेंट लाइन फिशेज से किस फॉर्म में होता है ये अमोनियम आयन की फॉर्म में होता है और कहाँ से होता है गिल सरफेस से होता है तो यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि फिशेज में अमोनिया किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है और कहां से होता है तो अमोनिया एक्सक्रीट होता है अमोनियम आयन की फॉर्म में और होता है सरफेस से बाकी सारे ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं मान लीजिए अमीबा है या कोई पॉरिफेरन है सीलियन ट्रेड्स ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो यहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये अपनी जर्नल बॉडी सरफेस दिस इज जर्नल बॉडी सरफेस। तो अपनी जर्नल बॉडी सरफेस की हेल्प से अमोनिया एक्सक्रीट कर देंगी पानी में और इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या जर्नल बॉडी सरफेस से अमोनिया बाहर निकल जाता है और सिंपल डिफ्यूजन से निकल जाता है बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को नहीं करनी पड़ती किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल कभी भी अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई भी रोल नहीं होता यह भी क्वेश्चन है कि किस नाइट्रोजनस वेस्ट के एलिमिनेशन में किडनी का रोल नहीं है सो किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया टेरेस्टल नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे जैसे अडाप्टशन आगे बढ़ती जाती है थोड़ा सा डाइवर्सिटी पे जाएं, तो सबसे पहले आते हैं प्रोटोजोआ, डैनपोरीफेरा सीलियन टेटा फ्लैटी एस हेलोमिंथिस और इस तरीके से एनलिडा, एर्थ्रोपोडा तो जैसे जैसे एडाप्टेशन होती जाती है, हैबिटेट चेंज होता जाता है तो उसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट भी चेंज होता है हैबिटेट से टेरेस्टियल है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बदलेगा जैसे कैसे बदलेगा यह ज्यादा टॉक्सिक था हॉमोनिया इससे लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल एक्सक्रीट करेगा सो so, लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वॉटर अब अपने आप में यह क्वेश्चन कि ऐसे कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो अपने रिमूवल में वाटर लॉस को ध्यान रखते हैं और द नाइट्रोजनस वेस्ट चेक द लॉस ऑफ वाटर तो सबसे पहला नंबर आता है इसमें यूरिक एसिड का और दूसरा आता है यूरिया का यानी कि टेरेस्टल हैबिटेट में जब ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है तो वो ये ध्यान रखता है कि बॉडी से एक्सेस वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए मैमल्स मैनी टेरेस्टियल ऑर्गेनिज्म मैनी टेरेस्टियल एम्फीबियंस मेराइन फिशेज मेनली एक्सक्रीट यूरिया तो यूरिया कौन कौन एक्सक्रीट करते हैं मैमल्स टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एक्वेटिक एम्फीबियंस एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं ध्यान रखना है एंड मेराइन फिशेज क्या एक्सक्रीट करेंगी यूरिया और इसी कारण ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे वो क्या कहलाएंगे यूरियोटेलिक अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इन टू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इससे दो क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की ये बॉडी है एज्यूम कर लेते हैं और इसकी बॉडी में प्रेजेंट है लीवर और यहां पे है किडनी अब जब हम बात कर रहे हैं कि जो सेल ने जनरेट किया है वो सेल ने जनरेट किया है अमोनिया सेल जनरेटेड अमोनिया लीवर के पास आएगा सेल जनरेटेड जो अमोनिया है वो लीवर के पास आएगा लीवर इसको कन्वर्ट करेगा यूरिया में और निथिन साइकिल चलेगी जब ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो यूरिया ब्लड की सहायता से सर्क्यूलेटरी सिस्टम का पार्ट बनेगा सर्क्यूलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि सबसे ज्यादा यूरिया किस ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है तो सबसे ज्यादा यूरिया प्रेजेंट होता है हीपाटिक वेन में इसका आंसर अगर हम दे तो नॉर्मल आंसर है कि लीवर से बनने वाला यूरिया जब हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है तो हार्ट के पास जो जाने वाली वेन है लीवर से जो जा रही है दैट इज हिपैटिक वेन तो हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया प्रेजेंट है सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे कम कहा है तो कौन सी ब्लड वेसल में है जब यूरिया पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में फैल जाता है और किडनी के पास ब्लड सप्लाई आती है किडनी यूरिया को निकाल लेती है किडनी यूरिया को निकाल के यूरिन में जो है या उसके कॉम्पोजिशन में मिक्स कर देती है तो किडनी से ब्लड बाहर निकल रहा है किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है जब किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है तो यूरिया है उसमें और जब बाहर निकल रहा है तो वो यूरिया उसमें कम है जितना आया था उससे काफी कम है तो किडनी से जो बाहर निकलने वाली ब्लड वैसल है दैट इज रीनल वेन तो रीनल वेन में सबसे कम प्रेजेंट होता है यूरिया तो सबसे ज्यादा हिपैटिक वेन में सबसे कम रीनल वेन में उंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन मैट्रिक्स टू मेंटेन अर्ड ऑस्मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि सारा का सारा जो यूरिया है ना वो किडनी नहीं भेज देती है कुछ यूरिया किडनी में रिटेन हो जाता है और वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी का मतलब है सॉल्ट वॉटर बैलेंस को मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसको बनाए रखने के लिए ऑर्ट इज ऑस्मो रेगुलेशन सॉल्ट वाटर का बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ यूरिया किडनी में ही रह जाता है रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड स्नेल्स रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हैबिटेट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड है वो कौन कौन है बर्ड्स रेप्टाइल्स स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स ये सब क्या एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं किस फॉर्म में करते हैं पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में यानी कि ये सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करते हैं जिसके कारण मिनिमम वाटर लॉस होता है और वाटर का कंजर्वेशन भी होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट पैलेट या सेमी सॉलिड फॉर्म में एलिमिनेट करें वो होंगे तो यहां पे एक छोटी सी चीज की हमने डिटेलिंग की अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड तो है ही इनके अलावा कुछ और नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं तो ये छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं उसको हमें ध्यान रखना है फर्स्ट इज टी एम दैट इज ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड यूजअली अमोनिया से यूरिया बनता है बट किसी केस में यूरिया से किसी केस में अमोनिया से जब टी एम ए बने जब अमोनिया से अमोनिया से टी एम ओ ए बने तो उस कंडीशन में टी एम ए ओ ही एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा क्योंकि तो उससे ज़्यादा उस नाइट्रोजनस वेस्ट का ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है जैसे हमारी बॉडी में अमोनिया जो है वो यूरिया बनाता है ये काम लीवर करता है और किडनी उस यूरिया को एलिमिनेट करती है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मैराइन क्रस्टेशियंस एंड मैराइन मोलिस्का में टी एमओ इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट वो टी को एक्सक्रीट करते हैं इसके अलावा ग्वैन स्पाइडर एक्सक्रीट करती हैं जो यूरिक एसिड जैसा ही होता है तो जब अमोनिया जब अमोनिया ग्वैनिन बनाता है तो ऑर्गेनिज्म ग्वेनिन ही एलिमिनेट करता है यह भी वाटर कंजर्वेशन करता है या वाटर लॉस को चेक करता है क्योंकि यह यूरिक एसिड जैसा ही एक्सक्रीटरी वेस्ट है नेक्स्ट इज एलेटोनिन अब जो प्यूरिन पायरास हैं प्यूरिन एंड पायरा सबसे पहले तो आप यह कि प्यूरिन और पायरेमिडिन क्या है डीएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजन है तो प्यूरिन और पायरामिडिन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है एलोटेनिन बनता है और एलोटेनिन जो है वो एज एक्सप्रीटरी वेस्ट एलिमिनेट हो जाता है ये मैमस में होता है नॉर्मली बट ह्यूमंस के केस में एलाटोनिन एलाटोनिन जो है वो बनता है अब एलाटोनिन कैसे बनता है या फिर एक और चीज इसके साथ बनती है आइसोब्यूटायरिक एसिड आइसोब्यूटायरिक एसिड अब ये कैसे बनती है प्यूरिन और पायराडिन एलेटोनिन बनाता है अदर मैमस में बट ह्यूमंस में पैरामिडीन बनाती है एलेटोनिन और आइसोब्यूटायरिक एसिड और प्यूरिन बनाता है यूरिक एसिड प्यूरिन क्या बना लेता है यूरिक एसिड और ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है नेक्स्ट इज है प्यूरिक एसिड है प्यूरिक एसिड बेंजोइ एसिड हिप्यूरिक एसिड बनाती है बट बर्ड्स में जो बेन्जोइक एसिड है बर्ड्स में बेंजोइक एसिड ऑर्निथीन के साथ ऑर्निथीन के साथ मिलके ऑर्निथ यूरिक एसिड बनाती है ऑर्निथ यूरिक एसिड बनाती है लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो यूरिन में एलिमिनेट होता है क्रियाटिन से बनता है क्रियाटिन ह्यूमन यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता क्रियाटिन जो है क्रिएटिन प्रेजेंट होता है लैक्टेटिंग मदर्स में न्यू में और जब हम बात करते हैं ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है तो उनमें क्रिएटिन बनता है क्रिएटिनिन के टूटने से क्रिएटिनिन बनता है क्रिएटिन के टूटने से क्रिएटिनिन बनता है और ये यूरिन में एलिमिनेट होता है तो यहाँ पे हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है कि अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड के अलावा भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म किन डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन की सहायता से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं